हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज सुप्रियप्ति एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नेम इज नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, एंड टुडे माय टॉपिक इज नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, नेटवर्क। ओके, नेटवर्क देन टोपोलॉजी। ओके, वी कैन सी हियर द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इज द फिजिकल लेआउट ऑफ कंप्यूटर केबल्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑन अ नेटवर्क। लॉजिक क्या है कि जब भी हम नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें ध्यान देना है कि जो भी डिवाइसेस हैं, लाइक वन कंप्यूटर, सेकेंड कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर एंड फोर्थ कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड फिजिकली आइदर केबल, ओके, आर अदर केबल डिवाइसेस। क्लियर है? यानी कि अगर मैं कोई पैटर्न लेआउट को आप बोल सकते हो पैटर्न, क्या बोल सकते हो पैटर्न, ओके, पैटर्न। अगर हम किसी पैटर्न को फॉलो करके या किसी फिजिकल लेआउट को फॉलो करके हम मल्टीपल डिवाइसेस को कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। क्लियर है? यानी कि जब हम कोई एक नेटवर्किंग बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए कोई हम फिजिकल लेआउट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं या पैटर्न कोई फॉलो करते हैं, उस पैटर्न को फॉलो करके हम एक डिजाइन बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, सो एवरीवन मेक द नोट्स ऑफ अ नेटवर्क टोपोलॉजी। A network topology is the physical layout of computer cable and other components on a computer networks. Okay, that's all. Okay. Now, the next point is there are a number of different network topology. जो network topology वो different types के हैं, number of network topology हमारे पास available है। आप कोई भी एक नेटवर्क टोपोलॉजी यूज करके आप एक आर्किटेक्चर या नेटवर्क बना सकते हैं। क्लियर है? बट यह जो नेटवर्क आप सेलेक्ट करने जाएंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी सेलेक्ट करने जाएंगे, वह बेसिस ऑन द प्रॉब्लम्स उस एरिया को ध्यान में रखते हुए क्रिएट करेंगे जहां पर आपको नेटवर्किंग क्रिएट करना है। क्लियर है? पॉइंट्स हियर, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क लेआउट्स आर, वी कैन सी हियर the different types of network layouts are bus topology, most popular, star topology, mesh topology, ring topology, hybrid topology, etc. Okay, so keep in mind, a multiple computers इंटरकनेक्टेड टूगेदर्स, जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को, नोट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो उस कनेक्ट करने के जो प्रोसेस होंगे, पैटर्न्स होंगे, जो फिजिकल लेआउट हम फॉलो करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी। और यू कैन से नेटवर्क लेआउट, डजंट मैटर, बोथ आर सेम। क्लियर है? जब भी हम कोई एक आर्किटेक्चर बनाएंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी बनाएंगे, तो उसके लिए हम कोई एक नेटवर्क टोपोलॉजी सेलेक्ट करेंगे, वह हमारा बस हो सकता है, स्टार हो सकता है, मेश टोपोलॉजी हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है, ट्री टोपोलॉजी हो सकता है। ओके, तो वन बाय वन हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से टोपोलॉजी के क्या एडवांटेज पॉइंट्स हैं और क्या डिसएडवांटेज है। ओके, आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे तो आपको बेटर आइडिया मिल जाएंगे। और कीप इन माइंड्स, 4 to 6 marks में यह क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। क्लियर? 4 to 6 marks, क्लियर? तो इसको ध्यान में रख करके आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। क्लियर है? चलिए, जो पहला टोपोलॉजी हम डिस्कस करेंगे वह टोपोलॉजी है कौन सा, बस टोपोलॉजी। कौन सा टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी। ओके, नाउ
move to the next point. We can see here a bus topology. Definition of bus topology. Okay. Now, a bus topology consists of a main cable. Important points. Main cable with a terminator at each end. Okay. बस टोपोलॉजी की जो मेन बात है वह क्या कहता है, एक मेन केबल होता है. सपोज करिए कौन सा केबल है, एक मेन केबल. और ध्यान रखिए जो ये टर्मिनेटर होगा, यानी कि जो यहाँ पर एंड पॉइंट्स होगा, टर्मिनेटर इसको बोलेंगे टर्मिनेटर, और यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर. क्लियर है, क्लियर. यानी कि जो बस टोपोलॉजी है वो क्या कहता है, एक मेन केबल होगा. यह हमारा क्या है, मेन केबल है, मेन केबल. क्लियर. और विथ अ टर्मिनेटर एट ईच एंड, और ईच एंड एवरी एंड पे क्या होगा, टर्मिनेटर होगा. यह बेस्ट बस टोपोलॉजी का मेन क्या है, बेस है क्या, कि एक मेन केबल होगा और ईच एंड एवरी एंड पे क्या होगा, टर्मिनेटर. क्लियर है, पहला पॉइंट समझ में आया. ओके, आगे देखिए. ऑल नोड्स लाइक वर्क स्टेशन, यानी कि इसमें जो भी हमारा एक कंप्यूटर कनेक्टेड होगा, सपोज करिए कि यहाँ पर मेरा एक कंप्यूटर क्या है, कनेक्टेड है, या कंप्यूटर हमारा क्या है, इस बस टोपोलॉजी से क्या है, कनेक्टेड है. यहाँ पे एक दूसरा कंप्यूटर क्या है, कनेक्टेड है. क्लियर है. और यहाँ पर सपोज करिए कि प्रिंटर क्या है, कनेक्टेड है. दिस इज माई प्रिंटर. ओके, यह भी हमारा किससे कनेक्टेड है, इस मेन केबल से कनेक्टेड है. यहाँ पर एक और मेरा क्या है, कंप्यूटर कनेक्टेड है किससे, इस मेन केबल से. ओके, तो वही पॉइंट्स कर रहा है. ऑल नोड्स, आपको पता है नोड्स क्या है, जो भी नेटवर्किंग का पार्ट होता है कोई भी डिवाइस, उसे हम क्या बोलेंगे, नोड्स. और आगे लिखा है ऑल नोड्स लाइक वर्क स्टेशन, प्रिंटर, लैपटॉप, सर्वर, ईटीसी. इसमें कोई सर्वर भी होगा, कोई वर्क स्टेशन. वर्क स्टेशन आल्सो नोन एज अ क्लाइंट, कन्फ्यूज मत होइए, वर्क स्टेशन और क्लाइंट दोनों एक ही बात है. क्लियर है. प्रिंटर, लैपटॉप, वह किससे कनेक्ट होंगे. ऑल द नोट्स लाइक वर्क स्टेशन, प्रिंटर, लैपटॉप, सर्वर, ईटीसी आर कनेक्टेड टू द लीनियर केबल, यानी कि एसी जो यह लीनियर केबल है, यह जो केबल है एसी से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे. क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे. क्लियर है. और पॉइंट देखिए, द टर्मिनेटर इज यूज टू अब्जॉर्ब द सिग्नल व्हेन द सिग्नल रीच टू द एंड. सपोज करिए कि यह मेरा क्या है, सर्वर है. सपोज करिए कि यह मेरा कंप्यूटर क्या है, सर्वर है. यह क्या है, मेरा सर्वर है. यह मेरा वर्क स्टेशन है, WS स्टैंड फॉर वर्क स्टेशन. यह हमारा क्या है, प्रिंटर है. क्लियर है. और यह हमारा क्या है, WS यानी कि वर्क स्टेशन. क्लियर है. तो जब हमारा यह हमारा क्या है, टर्मिनेटर पॉइंट्स है. ओके, यह भी हमारा क्या है, टर्मिनेटर पॉइंट्स है. क्लियर है. अब ध्यान से समझिए, जब हमारा कोई सर्वर है, या सपोज करिए यह मेरा क्या है, सर्वर है, तो यह सर्वर जब डेटा सेंड करेगा टू द क्लाइंट, तो डेटा यहाँ तक सेंड होकर के यहाँ तक आ जाएगा, रिसीव हो जाएगा. क्लियर है. बट अगर लास्ट में ये डेटा किसी को रिसीव नहीं होता है, लास्ट में कहाँ पर पहुँच गया, टर्मिनेटर के पास पहुँच गया, तो ये टर्मिनेटर का काम है कि सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेना. क्लियर है. देखिए, द टर्मिनेटर इज यूज टू एब्जॉर्ब द सिग्नल व्हेन द सिग्नल रीच टू द एंड. ओके, यानी कि जब सिग्नल लास्ट तक पहुंच जाता है, सिग्नल लास्ट तक पहुंच जाता है, तो वहां पर क्या होता है, जो टर्मिनेटर होता है वो सिग्नल को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. क्लियर. और यहां से ध्यान रखने वाली बात है कि यह सिग्नल को एब्जॉर्ब करके उसको रिमूव भी कर देता है. क्लियर. यानी कि मेन पॉइंट्स आपको क्या करना है, बस टोपोलॉजी में क्या ध्यान रखना है. पहला पॉइंट्स मैं क्लियर कट समझा दूं. पहला पॉइंट्स कि एक मेन केबल होगा, मेन केबल के बोथ एंड पे क्या होगा, टर्मिनेटर होगा. यह हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटर हो गया. क्लियर, टर्मिनेटर हो गया. यह हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटर हो गया. यह मेरा मेन केबल था. और ईच एंड एवरी नोड्स, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो प्रिंटर हो, या फिर वर्क स्टेशन हो, किससे कनेक्ट होंगे, इस मेन केबल से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे. क्लियर है, इन अ लीनियर वे. अब जब भी कोई सर्वर किसी डेटा को सेंड करेगा, तो सेंड होकर के वो डेटा रिसीव हो जाएगा. अगर रिसीव नहीं होता है, तो लास्ट तक अगर रीच करता है, तो जो टर्मिनेटर होगा उस सिग्नल को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. ओके, सो एवरीवन मेक द नोट्स. नोट्स आप क्या राइट करेंगे, अ बस टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ अ मेन केबल विथ अ टर्मिनेटर एट ईच एंड.
ऑल नोट्स लाइक वर्क स्टेशन, प्रिंटर, लैपटॉप, सर्वर, आपको कहाँ तक राइट कर लेना, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, क्लियर? सिग्नल रीच टू द एंड, प्रिवेंटिंग सिग्नल्स बंचेस, ओके, यहाँ तक आपको राइट कर लेना है, क्लियर है? यानी कि यह हमारा फुल डेफिनेशन है किसका, बस टोपोलॉजी का, ओके? आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि बस टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, क्लियर? पॉइंट्स आप ध्यान में रखें। एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी आर फॉलो, ओके? एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी आर फॉलो। फर्स्ट एडवांटेज इज इजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस टू अ लीनियर बस। सपोज करिए कि मेरे पास एक मेन केबल है, यहाँ पर लास्ट में क्या है, टर्मिनेटर है, तो ये ऑलरेडी कुछ कंप्यूटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर ऑलरेडी कुछ कंप्यूटर्स क्या हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक नया पेरिफेरल, पेरिफेरल डिवाइसेस मीन्स नया कंप्यूटर, कोई नया डिवाइस, कोई नया लैपटॉप, कोई नया सर्वर, हम या कोई नया वर्क स्टेशन, कोई प्रोजेक्टर इस नेटवर्किंग में ऐड करना चाहते तो इजी गोइंग में हम ऐड कर सकते हैं, क्लियर? सपोज करिए कि एक नया मैंने ऐड करने गया तो उसको इजी गोइंग मेन केबल से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो पहला एडवांटेज है क्या, इजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस टू अ लीनियर बस, यानी कि इस लीनियर बस के अंदर हम इजी गोइंग में मल्टीपल कंप्यूटर या डिवाइसेस हम ऐड कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज, ओके? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिक्वायर्ड लेस केबल लेंथ देन अ स्टार टोपोलॉजी। अभी मैंने स्टार टोपोलॉजी डिस्कस नहीं किया, बट थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टार टोपोलॉजी में एक मेन हब होता है और मल्टीपल कंप्यूटर एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, स्टार का सेफ ले लेता है, क्लियर है? तो अगर मैं केबलिंग की बात करूँ, केबलिंग की बात करूँ, तो यहाँ पर यह जो केबल यूज किया गया है स्टार टोपोलॉजी में, इसमें केबल ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है कंपेयर टू बस टोपोलॉजी, क्योंकि बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल से ही काम चल जाता है, यहाँ पर मल्टीपल केबल की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, क्लियर है? तो यहाँ पर केबल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं और बस टोपोलॉजी में केबल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। तो ये दो पॉइंट्स आप माइंड में रखेंगे, एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी के अंदर क्या, इजी टू कनेक्ट कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइस टू लीनियर बस, और सेकेंड पॉइंट्स रिक्वायर लेस केबल लेंथ देन अ स्टार टोपोलॉजी, यानी कि स्टार टोपोलॉजी के कंपेरिजन में जो हमारा बस टोपोलॉजी होता है उसमें लेस केबल लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर है? ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको समझना है यहाँ पे, वह कौन सा पॉइंट्स है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज यह वाला पॉइंट्स आपको समझना है, डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी आर फॉलो, यानी कुछ तो एडवांटेज आपने पढ़ लिया, कुछ डिसएडवांटेज तो समझिए कि डिसएडवांटेज में क्या होता है, यानी कि फ़ायदे ही केवल नहीं होते हैं, कोई अगर फ़ायदा दे रहा तो कुछ नुकसान भी होगा, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या डिसएडवांटेज वो देखिए, पहला डिसएडवांटेज क्या है, इंटायर नेटवर्क शट डाउन, मतलब कि बिल्कुल पूरा नेटवर्क यानी बस टोपोलॉजी काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। कब, इफ देयर इज अ ब्रेक इन अ मेन केबल, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर बस टोपोलॉजी है या बस टोपोलॉजी, तो मल्टीपल कंप्यूटर अगर इससे इंटरकनेक्टेड हैं, तो अगर इस केबल में, अगर मेरे इस केबल के अंदर मेन जो केबल था, सपोज या मेन केबल जो था जिसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड है, या जो मेन केबल है, क्लियर है, इस मेन केबल के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वहाँ पर क्या हुआ, इंटायर नेटवर्क क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। ये हमारा क्या है, मेन डिसएडवांटेज। अगर बात करूँ मैं स्टार टोपोलॉजी की, तो स्टार टोपोलॉजी में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक मेन हब है, मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से इन द स्टार सेफ, क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इस केबल में सपोज करिए कि मेरे पास इस केबल में, किस वाले केबल में, यह वाले, इस वाले केबल में हमारा क्या प्रॉब्लम आता है, तो केवल यह नोड वर्किंग में नहीं रहेगा, रेस्ट ऑफ द नोड क्या होगा, वर्किंग में रहेगा, क्लियर है? बट बस टोपोलॉजी की बात करें तो अगर मेन केबल में ही कोई प्रॉब्लम अकर हो जाता है तो पूरा नेटवर्क यानी बस टोपोलॉजी ही काम करना बंद कर देता है, क्लियर है? तो यह बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, आप याद रखेंगे फर्स्ट पॉइंट के अंदर डिसएडवांटेज में, इंटायर नेटवर्क, क्लियर, इंटायर नेटवर्क शट डाउन यानी क्लोज हो जाता है इफ़ देयर इज अ ब्रेक इन अ मेन केबल। दूसरा एडवांटेज क्या है, टर्मिनेटर आर रिक्वायर्ड एट बोथ हैंड,
ओके यानी कि सिंपल सी बात है, जो मेन आर्किटेक्चर आपने पढ़ा था कि जब हम कोई केबल लगाएंगे तो बस टोपोलॉजी में दोनों एंड पे जो हमारे स्टार्टिंग एंड होगा और इंड एंड होगा, दोनों एंड पे क्या रिक्वायर्ड होगा, टर्मिनेटर जो सिग्नल को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता, तो यह रिक्वायर्ड करना है, यानी कि एक टर्मिनेटर हमारे पास होना ही चाहिए किसके अंदर, बस टोपोलॉजी। अभी मेरा क्या है, एक डिसएडवांटेज है। ओके, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बस टोपोलॉजी के अंदर नज़र आ रहा है वो समझने की कोशिश करिए, वो क्या है, डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ़ द इंटायर नेटवर्क शट डाउन। यानी सपोज करिए कि मेरा जब कोई प्रॉब्लम अकर हुआ इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम अकर हो गया, यानी कि मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम्स अकर हो गया, तो अगर पूरा नेटवर्क शट डाउन हो गया है, क्लोज ही हो गया, जब मेन केबल में प्रॉब्लम आ गया, तो हमको एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में क्या है, डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क क्या हो गया है, शट डाउन हो गया है। क्लियर? अगर वह इंटायर नेटवर्क शट डाउन है, कुछ पार्ट अगर शट डाउन होता, कुछ पार्ट एक्टिव रहता, तो हमको ईजी वे में प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते थे। बट अभी क्या हुआ, पूरा नेटवर्क शट डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि यही तो डिसएडवांटेज है किसका, बस टोपोलॉजी का, तो उसमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो ये यहाँ पर पॉइंट्स, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इफ द इंटायर नेटवर्क और शट डाउन। ओके, सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ अवर नेटवर्क और सॉरी बस टोपोलॉजी। ओके, तो एडवांटेज भी आप राइट करेंगे और डिसएडवांटेज भी राइट करेंगे। चलिए मैं फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ एक पॉइंट्स बस टोपोलॉजी के बारे में। क्लियर है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, पहला पॉइंट्स कि यहाँ पे एक मेन केबल है, यह हमारा कौन सा केबल है, मेन केबल। क्लियर? इस मेन केबल से ही हमारे जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं या नेटवर्किंग डिवाइसेस, इसको नोड बोलते हैं, वो क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। क्लियर है? तो बस टोपोलॉजी में जो पहला पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है वह क्या, कि एक क्या होगा, मेन केबल होगा। क्या होगा? मेन केबल होगा। बेसिकली कोएक्सियल केबल ही यूज करते हैं, बट एक क्या होगा, मेन केबल होगा। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो केबल होगा उसके दोनों एंड पे क्या होगा, टर्मिनेटर होगा। यह हमारा एक टर्मिनेटर हो गया और यहाँ पर भी देख सकते हैं एक क्या है, टर्मिनेटर है। दोनों क्या हो गए, टर्मिनेटर होगा। इस टर्मिनेटर का काम क्या है कि अगर सिग्नल यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो सिग्नल एंड पे आ करके क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, और देन टर्मिनेटर सिग्नल को क्या कर दे, रिमूव कर दे फ्रॉम द नेटवर्क। ओके, नाउ तीसरा पॉइंट यह ध्यान रखना है कि जो भी हमारा नोड होगा, जैसे नोड हमारा एक प्रिंटर है यहाँ पे, दूसरा हमारा क्या है, वर्क स्टेशन है, यह भी हमारा क्या है, वर्क स्टेशन है, यह भी हमारा क्या है, वर्क स्टेशन है, यह भी हमारा वर्क स्टेशन है, जिसे हम क्लाइंट बोलते हैं, यह भी हमारा क्या है, वर्क स्टेशन, और यह मेरा क्या है, सर्वर है। तो अगर यह क्लाइंट एक सर्विस रिक्वेस्ट करता है फ्रॉम द सर्वर, क्लियर, तो यह सर्वर ये क्या करेगा, इस सर्विस को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ना। क्लियर? तो ये जितने भी नोड हैं इन अ बस टोपोलॉजी, चाहे वो सर्वर हो या कोई प्रिंटर हो, कोई लैपटॉप हो या कोई क्लाइंट हो, वो किससे कनेक्ट होंगे, मेन जो केबल होगा उससे क्या होगा, कनेक्ट होगा। यानी कि कितने पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है बस टोपोलॉजी के रिकॉर्डिंग, वह आपको ध्यान रखना है। पहला मेन केबल होगा, दूसरा बोथ एंड पे क्या होगा, टर्मिनेटर होगा। टर्मिनेटर का काम यह होगा कि जो सिग्नल्स स्टार्ट हुआ है एंड में जाकर के एब्जॉर्ब कर ले और सिग्नल को उस नेटवर्क से रिमूव कर दे। क्लियर? जितने भी नोड होंगे, थर्ड पॉइंट, जितने भी नोड होंगे वह डायरेक्टली किससे कनेक्ट होंगे, आपका मेन केबल से क्या होगा, कनेक्ट होगा। क्लियर? अब एडवांटेज की बात करें तो बस टोपोलॉजी में जो एडवांटेज है, वह पहला एडवांटेज है कि एक नया कंप्यूटर अगर इसमें ऐड करना है तो जस्ट टर्मिनेटर को एक्सटेंड कर दीजिए। क्लियर? एक्सटेंड कर दीजिए, केबल अप्लाई करिए और यहाँ क्या करिए, एक नया कंप्यूटर ऐड कर लीजिए। इसका मतलब क्या कि कोई भी एक नया डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा या यू कैन से नोड ऐड करना चाहते हैं बस टोपोलॉजी के अंदर, तो आप इजी गोइंग ऐड कर सकते हैं। ये पहला एडवांटेज है किसके अंदर, बस टोपोलॉजी। दूसरा एडवांटेज क्या है बस टोपोलॉजी के अंदर कि इसमें केबल की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि बस टोपोलॉजी में एक सिंगल लेंथ केबल होता है जिसे हम लीनियर बोलते हैं, लीनियर बस बोलते हैं,
बेसिकली एक कोएक्सियल केबल होता है, उसमें एक ही केबल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं सिंगल लेंथ केबल की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि एडवांटेज में टू पॉइंट्स केवल ध्यान रखेंगे कि एक नया डिवाइस इजी गोइंग ऐड कर सकते हैं, और इसमें केबल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, लेस होती है कंपेयर टू स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और बस सॉरी मल्टीपल टोपोलॉजी जो है आपका ग्राफ टोपोलॉजी हो गया, उसके कंपेरिजन में मेरे पास जो बस टोपोलॉजी होता है उसमें कम केबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये तो हो गई एडवांटेज। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस नेटवर्किंग का हुआ कि अगर केबल में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ गया तो जो ये पूरा नेटवर्क है, यह पूरा नेटवर्क है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया, यानी कि पूरा नेटवर्क ही काम करना बंद कर दिया। क्लियर है? तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यानी कि एक थोड़ी सी प्रॉब्लम अकर हुई क्या, किसके अंदर, केबल के अंदर, और पूरा नेटवर्क क्रैश हो गया, मतलब शट डाउन हो गया। तो ये पहला ड्रॉबैक है। क्लियर? दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें अगर डिफ़िकल्टीज क्या आती है कि अगर मान लीजिए कि इस वर्क स्टेशन में प्रॉब्लम है, सपोज करिए यानी कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पर जब शट डाउन हो गया, इंटायर नेटवर्क क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना इजी टास्क नहीं है। जब नेटवर्क एक्टिव रहता, ऑन रहता, और उसमें कुछ पार्ट क्या है डीएक्टिव रहते हैं, तो उसमें इजी गोइंग में आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर पूरा इंटायर नेटवर्क क्लोज होने के कारण किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना टू डिफिकल्ट टास्क इन अ बस टोपोलॉजी। क्लियर है? तो यह फिगर भी आप ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? एक फिगर में आप मेन केबल लगाएंगे, बोथ एंड टर्मिनेटर अप्लाई कर देंगे, मल्टीपल कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट कर देंगे मेन केबल से, देन एक सर्वर हो जाएगा और देन वर्क स्टेशन या क्लाइंट्स हो जाएंगे। ओके, सो एवरीवन मेक द नोट्स, नोट डाउन नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। क्लियर? बस टोपोलॉजी, राइट द डेफिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी फ्रॉम अ बस टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ मेन केबल टू बाउंस। ओके, अदेन एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, इजी टू कनेक्ट, रिक्वायर लेस केबल, दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इंटायर नेटवर्क शट डाउन एंड टर्मिनेटर आर रिक्वायर्ड एट द बोथ एंड्स एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम इफ नेटवर्क शट डाउन। ओके, दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। ओके, सो एवरीवन मेक द नोट्स एंड सेंड मी एज सून एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स ए लॉट।